बेटो मार बाप ने वृद्धाश्रम में घालन की तैयारी करी तो बाप मां रोती रोती आपरा बेटा ने केरे लाल अलका में राख्यो बेटा रे पलका में राख्यो रे लाला गोदी में राख्यो बेटा दोरो मोटो करियो रे ओ अरे बेटा न्यारो मती होई जे रे ला एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार से जोश कीजिएगा बोलिए माता पिता गुरुदेव की अलका में राख्यो बेटा रे पलका में राख्यो रे लाला गोदी में राख्यो रे बेटा गले सो लगायो लाला तोरो मोटो करी यो रे हो हारे बेटा मती हुई दे रे ला हर मारा लाला मत ना सता जे रे ला माँ क्यों ने लागी बेटा आज माने तू थारा घरों बारे निकाल वृद्धाश्रम में छोड़ रही हो तू बे दिन भूल गोरे भाई किशा छोटी सी उम्र में बेटा रे लाडी लडायो रे थारो दूध पिलायो रे बेटा छाती के छिपायो रे बेटा गीला थारा धोया ने बेटा सूखा में सुलायो ने बेटा पीको लगायो रे ओ हरे बेटा पीको लगा धीरे ला हरे मारा बेटा पीको लगा धीरे सुनना बाप की ओर है बेटा कम से कम आ तो बता थाने मरू तकलीफ कई है तू ना तो मांगू मीठो बोले ना तू मारी बात माने और अबे तू माने घरों बारे निकाले इरो कारण कई है बोल तो माँ क्यों ने लगी कारण बताऊं आ गयो बुढ़ापो बेटा ने थारा घना लागा रे आपा छोकरा को नी लागा रे आपा आचा को नी लागा आपा भूंडा घना लागा अरे हो अरे आपा भूंडा घना लागा रे रा अरे मारा बेटा मत ना सता जे रे ला जाहु, जाहु।
अब माँ के मन लगी आ गयो बुढ़ापो, अब आपा ही ने खरा गणा लगा आचा कोनी लगा इन वाती घरों बारे निकाले। अबे वा माँ जायपुरी बेटा रे सामे हाथ जोड़ क्यों ने लगी भाई घरों बारे मत निकाल, मैं थारे घर में काम करूं। आंगिना पुसुली थारा रे कपड़ा धो मोली रे बेटा, बर्तन माजोली रे बेटा, रोटी बना दियो लाला, टाबरा ने राखू बेटा, घर को ध्यान राखू पूरे। ओ अरे बेटा न्यारो मती हुई जे रेला, अरे मारा बेटा न्यारो मती हुई जे रेला। सजनों बाबा रोती रोती के आंगना पूछूली थारा बर्तन धोली कपड़ा धोली घर को ध्यान राखूली, अरे थारा टाबरा ने राखू तू मने घर घर सो बारे मती। जिता भी मानो बवेट बेटा हाथ जोड़ निवेदन गुरु साहब, जिस घर के अंदर बूढ़े माँ और बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप अगर दुखी हो उस घर का पानी भी मत पीना साहब, उस घर का पानी भी। अब बेटो कोई नहीं बात मानी नहीं, माँ और बाप ने निकाल दिया घरों बारे, वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गयो। 10 साल तक ना तो कभी वृद्धाश्रम में गयो और ना कोई माँ बाप रो मुंडो देखियो। एक दिन वृद्धाश्रम फोन आयो कि भाई थारा माँ और बाप बड़ा बीमार है, एक या दो दिन का मेहमान है, आकर के मिल ले। बेटो आयो दौड़ तो क्यों हिसाब किताब भी करिया मार लास्ट बार, देखो कलजुग में एड़ी ओला ना हुए, आखिरी बार चार भिलिया वहां। बेटो गयो मारे कने जार मां ने कियो, मां थारी कोई आखरी इच्छा है तो मने बता दीजिए मैं पूरी, क्योंकि डॉक्टर साहब कियो कि तू मरण वाली है। तो बा मां कियो बेटा और तो कोई आखरी इच्छा नहीं है, ए वृद्धाश्रम का 20-25 कमरा है, एक कमरा के मायने एक कूलर एक पंखो लगवा दीजिए और की कौन चीज है। तो बेटा ने बड़ो अचंभू हुयो कि मां 10 साल में कभी कूलर पंखा की फरमाइश करी नहीं, अबे एक दो दिन में जौना लिया कूलर पंखा क्यों लगावे। तो बीरो बाप कियो बेटा तू चिंता मत कर, आप रे वास्ते ही है कूलर और पंखा नहीं लगावे। बेटा थारे भी एक औलाद है, बूढ़ो तू भी हुई बूढ़ी थारी लुगई भी, तू जेड़ी सेवा मारी करी बेड़ी औनाली पीढ़ी थारी, तू थारा मां बाप ने वृद्धाश्रम में लाइब्रा छोड़िया तो थारी औलाद भी थने अठी ल्यार, तू एसी में रहू नालो है थने कूलर पंखे बिना नींद अवेला कोनी, थारे वास्ते कूलर पंखा। मां की सोच देखो साहब, जाऊती भी बेटा रो भलो कर गई। माता पिता तो बेटा रे घर को है मांडन बेटा, खुशियों को आंगन बेटा, घर को है मांडन लाला, मां
लूणी समझावे मेरे ओ हरे बेटा न्यारो मती हुई जरेला हरे मारा बेटा मत ना सता जरेला बोलो श्री मात पिता गुरुदेव की।